हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सबके लिए ज़रूरी है, सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। उससे पहले हम बता दो कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, जो इसका रैंक ऑल इंडिया 35 और सेंट्रल कॉलेज है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इंडिया में टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है, जिससे आपको जो है अपना एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर कम्प्लीट करना चाहिए। और ये आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि काउंसलिंग से पहले आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन सी कॉलेज में कितना सीट है। इसका सीट का हमने कॉलेज वाइज है, कितना सीट है BSc एग्रीकल्चर में, उसका वीडियो बना दिया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ICR से रिलेटेड हम बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। कट ऑफ का भी हमने वीडियो बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं। तो फर्स्ट रैंक है जिसका, जैसे आप जो है BSc एग्रीकल्चर करना चाहिए आपको, ठीक है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका रैंक है अकॉर्डिंग टू ICR है, वो रैंक फर्स्ट रैंक पे आती है, ठीक है। इसका जो है स्थापित दिवस है वो 1900 ईयर है, वो 1923 है, ठीक है। लोकेशन है इसकी करनाल हरियाणा में, ठीक है। ये बात हुआ आपका करनाल हरियाणा। तो ये कौन कौन सा कोर्सेज करवाती है, ठीक है, NDRI के थ्रू BTech डेयरी टेक्नोलॉजी मास्टर प्रोग्राम करवाती है, डिप्लोमा ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, ये आपका इसमें प्रोग्राम्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है रैंक टू पे कौन सा आता है, तो IARI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसका 1905 में स्थापित की थी, लोकेशन जो है इसकी न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ये कौन कौन सा करवाती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस, वाटर साइंस, सोयल साइंस, प्लांट बायो, ये जो है आपके यूजी कोर्स, आपके यूजी कंप्लीट करने के बाद ये कोर्सेज होते हैं, ठीक है। फूड साइंस, ठीक है, कंप्यूटर अप्लीकेशन, बायोकेमिस्ट्री, और ये आप एग्रीकल्चर वगैरह। तो ICR रैंक 3 पे कौन सी है, तो GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जो कि हर स्टूडेंट का सपना होता है कि इसी कॉलेज में है वो अपनी डिग्री कंप्लीट करें। तो ये कौन कौन सा करता है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ये एग्रीकल्चर करती है, बेसिक साइंस, ठीक है, होम साइंस और फिशरीज साइंस और वेटनरी एंड एनिमल साइंस और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसका कोर्स ही कंप्लीट करवाती है, ठीक है। इसके बाद में करता है रैंक 4 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि स्थापित हुई थी 1970 में। अभी सभी स्टूडेंट इनका डेट ध्यान रखें, लोकेशन है जो इसका है हिसार हरियाणा, लोकेशन भी जान लें, ठीक है। तो ये हो, इसमें कौन कौन सा कोर्स होता है, UG PG एंड PhD कोर्स, मेजोरिटी इन द डिसिप्लिन इंक्लूडिंग, ठीक है। तो होम साइंस होता है एग्रीकल्चर, फूड साइंस होता है बेसिक साइंस, ये इसका कोर्स करवाती है, ठीक है। अब कहते हैं रैंक 5 पे ICR इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए, तो एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेटनरी, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, और ठीक है, ये सब जो है मेडिसिन एंड सर्जरी, ये सब इसका है जो ICR के थ्रू इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में करवाई जाती है। अब ये बात करते हैं कि रैंक 6 पर, ठीक है, तो टॉप 10 की बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये जो है हैदराबाद, राजेंद्र नगर हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ इनका जो है पब्लिश हुआ था 1965 में, ठीक है। ये कौन कौन सा कोर्स करवाती है, UG कोर्स की बात की जाए तो ये एग्रीकल्चर करवाती है, वेटनरी करवाती है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री करवाती है, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करवाती है, कम्युनिटी साइंस इसमें सीट अवेलेबल है, ठीक है, BTech फूड टेक्नोलॉजी, BSc हॉर्टिकल्चर और फिशरीज करवाती है, ठीक है। तो ये सब करवाती है, ठीक है। अब कहते हैं ICR रैंक 7 पे कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, ठीक है, और कौन कौन सा वो कोर्स है वो करवाती है, ठीक। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसका जो स्थापित डेट है वो 1962 है, लोकेशन इसकी बात की जाए तो लुधियाना पंजाब में स्थित है, ठीक है। ये कौन कौन से है, तो एग्रीकल्चर, होम साइंस एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो ये बात हुआ कि जो है इसमें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कोर्सेज की। अब बात करते हैं 8वें नंबर पे कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, इसका जो है अभी अभी ताज़ा ही ये अभी अभी स्थापित हुई है 2005 में, ठीक है। लोकेशन बात करें तो लुधियाना, ये भी लुधियाना पंजाब में है। कौन कौन सा कोर्स के लिए ये अवेलेबल है, ठीक है, तो वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरीज एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो सब उम्मीद करता हूँ कि आई होप कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ID भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं 9 नंबर पे, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, इसका स्थापित दिवस बात करें तो 1964, लोकेशन का बात करें तो जबलपुर मध्य प्रदेश MP में है। जो भी स्टूडेंट हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो MP से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिट होगा कि कौन उनके स्टेट में कौन कौन सा जो है कोर्सेज अवेलेबल है उनके कॉलेज में। तो लिस्ट ऑफ UG कोर्स की बात की जाए तो BSc एग्रीकल्चर, ठीक है, BSc फॉरेस्ट्री, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। लिस्ट ऑफ PG कोर्स की बात करें तो MSc एग्रीकल्चर, MSc फॉरेस्ट्री, MBA, BTech एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये हुआ उनका कोर्सेज की बात। अब बात करते हैं लास्ट जो ICR का 10वें रैंक था, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो रायपुर चंडीगढ़,
ठीक है, और इसका स्थापित है 1987, ठीक है, और इसमें कौन कौन से था, एग्रीकल्चर, वेटनरी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो डियर ये हुआ आपका जो है पूरा कॉलेज, टॉप 10 कॉलेज का, जिसमें आपको BSc एग्रीकल्चर या कोर्सेज लेने चाहिए, ठीक है। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तक ICR का सारा इन्फॉर्मेशन लाने वाले हैं, BSc एग्रीकल्चर स्कोप, जॉब वगैरह सब, जितना भी ICR से रिलेटेड काउंसलिंग से प्रोसेस, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, सभी का हम वीडियो बनाएंगे। तो चैनल से आप जुड़े और हमारे YouTube फैमिली से जुड़कर अब हम कोशिश करेंगे कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन दें। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।